यूपी की राजनीति में लोग जहां स्थिति का आकलन करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने सियासी सस्पेंस खत्म करते हुए केसरगंज और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केसरगंज से इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज से सांसद हैं। वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहने के दौरान पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था, जो मामला अभी दिल्ली के राव जेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जिस पर पिछले दिनों दिल्ली के राव जेवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को झटका देते हुए केस को नए सिरे से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया था। ऐसे में भाजपा ब्रजभूषण को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव छठे चरण में है। अगर भाजपा ब्रजभूषण को टिकट देती तो इसका नुकसान भाजपा को जाट बेल्ट में उठाना पड़ता। वहीं दूसरी सीट रायबरेली है, जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर भाजपा ने MLC दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। दिनेश प्रताप सिंह अपना पिछला चुनाव सोनिया गांधी से 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। वो भाजपा के रायबरेली सीट के पहले उम्मीदवार थे जो इतना वोट लेकर गए थे। बता दें, दिनेश प्रताप सिंह 3 बार के MLC चुनाव रह चुके हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। रायबरेली सीट पर अगर इतिहास पर जाएं तो ये सीट कांग्रेस का किला कही जाती है। रायबरेली सीट पर अब तक भाजपा 2 बार ही जीत पाई है। इस सीट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रह चुके हैं। मौजूदा हालात में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इससे सोनिया गांधी सांसद थीं, जो इस बार बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में अब भी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।